अभी मैं हूँ मैक्लोडगंज, जो कि धर्मशाला से करीब 9 किलोमीटर दूर। सो फाइनली वी मेड इट टू द त्रिउंड टॉप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल द UK04 एक्सप्लोरर में। और आज मैं खड़ा हूँ त्रिउंड के टॉप पे। एकदम पीछे आप व्यू देख सकते हो, धौलाधार रेंज का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रैक में, जिसका नाम है त्रिउंड, और जो कि 2875 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। त्रिउंड ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला, और फिर वहाँ से मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज इस ट्रैक का बेस है। हमने भी अपना ये सफ़र दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू किया। कश्मीरी गेट से आपको प्राइवेट और HRTC दोनों की सेवा मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप एक्सटेंडेड वीकेंड्स पर जा रहे हैं तो भीड़ काफ़ी होती है, तो एडवांस में बस एंड होटल दोनों ही बुक करवा लीजिए। 12 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंचे धर्मशाला, और यहां से धौलाधार रेंज इतनी क्लियर दिखती है जैसे आपके सामने खड़ी हो। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, और अभी हम धर्मशाला पे ही खड़े हैं। यहाँ से हम आप आगे को निकलेंगे और अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। तो दिल्ली से जो बसेज हैं वो सिर्फ धर्मशाला तक ही आती हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप टैक्सी बुक करके आ सकते हो जो कि 400 रुपये लेती है, या फिर यू कैन टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज़ बस। तो बस में जो है 20 रुपये का टिकट है। तो आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि यहाँ सेटल होने के बाद हम लोग अपना त्रिउंड ट्रैक स्टार्ट करेंगे और शाम को वापस आएंगे। अभी मैं हूँ मैक्लोडगंज, जो धर्मशाला से 9 किलोमीटर दूर है, और काफ़ी लोगों ने सुना होगा इस हिल स्टेशन के बारे में, बट यहाँ की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिश काल के दौरान 1885 में स्थान का नाम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेविड मैक्लोड के नाम पर रखा गया था। मैक्लोडगंज अपने तिब्बतन कल्चर के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बतियों की एक बड़ी आबादी रहती है। इसी कारण इस जगह को लिटिल ल्हासा या ढासा के रूप में भी जाना जाता है। 1959 में जब चाइना के बढ़ते अग्रेशन से तिब्बत के 14th दलाई लामा इंडिया आए थे, तो भारत सरकार ने उन्हें धर्मशाला में शरण देने की पेशकश की, जिसके बाद 1960 में उन्होंने मैक्लोडगंज को अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बना दिया। ये था मैक्लोडगंज का इतिहास। अगर बात करें यहाँ पर फेमस जगह या हॉटस्पॉट्स की, तो सबसे पहले लिस्ट में आते हैं यहाँ के शानदार कैफेज, जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने ट्रिप के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर लोकल मार्केट है एक्सप्लोर करने को, और हाँ, आप भक्सू वाटरफॉल भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी की, जो कि हमारी टू डू लिस्ट में भी है, ट्रैकिंग। तो मैक्लोडगंज से अभी हमने टैक्सी ली है, क्या नाम बताया था भैया? गलू। तो गलू टेम्पल है, जो कि बेस है त्रिउंड ट्रैक का, जहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। एक और अल्टरनेटिव बेस है इस ट्रैक का, जो भक्सू वाटरफॉल है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा लंबा हो जाता है ट्रैक, तो हमारे पास समय की जो है थोड़ा सा शॉर्टेज है, इस वजह से हम गलू से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रैक। गलू से करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। पहुंच गए हम बिल्कुल गल्लू टेंपल। मेरे पीछे जो है ये है गल्लू टेंपल, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ से करीब ये ट्रैक रह जाता है 5 से 6 किलोमीटर का,
और क्योंकि हमको आज ही वापस आना है तो हम लोगों ने मैक्लोडगंज से यहाँ तक टैक्सी बुक की थी। आप चाहे तो अगर आप जल्दी अगर स्टार्ट करते हैं ट्रैक तो आप पूरा मैक्लोडगंज से ट्रैक करते हुए आ सकते हैं ट्रियुंड तक। तो अभी करीब हम 500 मीटर आए होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेल है ये। जो हमारा आज का ट्रैक है ये एक तरीके से वार्म अप ट्रैक है क्योंकि जो हमारा मेन ट्रैक है वो कल होने वाला है करेरी लेक विच इज़ ऑफ 13 किलोमीटर वन साइड। तो उससे पहले हमने सोचा त्रियुंड करके अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए। ओह नीचे का व्यू बड़ा ब्यूटीफुल है, लेट मी शो यू। तो अभी हम आधा जो है ट्रैक हमने कवर कर लिया और चाय पीने रुके हैं, थोड़ा सा रिफिल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं अपने आप को। और आगे का जो 3 किलोमीटर है वो थोड़ा सा और टफ है। तो 2:40 हो चुके हैं तो टारगेट है हम 4:30 बजे पहुंच के 5 बजे जो है नीचे डिसेंड करना शुरू कर दें। त्रियुंड की ट्रेल काफ़ी आसान है और कोई भी बिगिनर बिना गाइड के इस ट्रैक को पूरा कर सकता है क्योंकि हमने ये ट्रैक अप्रैल में किया तो यहाँ पर रॉन्डे ड्रॉन अपने पूरे शबाब में खिले हुए थे जिन्हें उत्तराखंड में बुरांश भी कहा जाता है। त्रियुंड वैसे तो पूरे साल भर खुला रहता है लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे आप इसे मानसून और विंटर में बिल्कुल भी ना प्लान करें। किसी लोकल ने बताया एक कांगड़ा का ट्रैकर मानसून में स्लिप करके इस ट्रैक में फंस गया था, हालांकि उसको 3 दिन बाद रेस्क्यू कर लिया गया। फाइनली वी मेड इट टू द त्रियुंड टॉप और यहाँ से यार गजब का व्यू है, गजब का। हमको त्रियुंड टॉप तक पहुँचने में करीब 3 घंटे लगे लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो नज़ारा कुछ ऐसा था। हिमालय की धौलाधार रेंज में बसा हुआ ये ट्रैक एक तरफ भव्य धौलाधार पर्वतमाला का दृश्य प्रस्तुत करता है तो दूसरी तरफ कांगड़ा वैली का। पहाड़ की इस चोटी पर पहुँच कर हमको मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम धौलाधार से आँखें मिलाए खड़े हैं। इस जगह पर हमने काफी समय बिताया, यहाँ बैठकर इन बर्फ से ढकी चोटियों को देखना ही अपने आप को गुदगुद कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर खाने की एक ही दुकान है और वो काफी महंगी है। अगर आप नीचे से ही कुछ मंचिंग के लिए लाते हैं तो वो ज्यादा समझदारी होगी। काफी लोगों के लिए त्रियुंड एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक्चुअली त्रियुंड बेस है एक और एडवांस ट्रैक का जो यहाँ से आगे पड़ता है और उसका नाम है इंद्रहार पास। जी हाँ, ये एक एडवांस लेवल का ट्रैक है जिसे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स करते हैं। इंद्राहार के बगल में ही मुनपीक है जिसका एक्सपेडिशन भी यहाँ की लोकल एजेंसीज करवाती हैं। उम्मीद है कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो इंद्राहार पास के लिए ही आऊँ। सो दैट वॉज त्रियुंड ट्रैक फॉर यू और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा ये ट्रैक। इफ यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू ट्रैक तो यहाँ आना तो बनता है और यहाँ ज़रूर आइए क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आश्चर्यजनक कर देने वाले हैं। जो धौलाधार रेंज दिखती है यहाँ से दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब हम इसके बाद नीचे जाएंगे, शायद रात भी हो सकती है नीचे पहुँचते देन अपने रूम पे जाएंगे और आज रेस्ट करेंगे आज का दिन। कल का दिन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर अस क्योंकि कल हमारा जो है करेरी लेक का ट्रैक है और नाइट स्टे भी वहीं पे ही है कल। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेंगे। तो इसी नोट पे मैं आपसे अलविदा लूँगा और उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।